You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country. 10 साल मोदी रहा है ना, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका. भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of ISIS. जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था. और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें. संजय कुमार वर्मा हैज नाउ सेड दैट द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड इंडिया आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड. ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ, हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है. इंटेलिजेंस बेस्ड, और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है. इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही है, और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है. वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूँ, भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो बुरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूद नहीं होती. ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से. देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए. ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए. डू एग्री टू दैट? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त شدید کشیدگی کا شکار. इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस. दो जी, वो वक्त गया कि जब यूरोप या अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करते थे. अब वो ऐसा वक्त कुछ भी नहीं है. अब तो वो हिंदुस्तान की नौकरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुलाजम हैं. जैसे टाटा कंपनी होगी, महिंद्रा कंपनी होगी, ठीक है जी, बड़े बड़े ब्रांड हैं इंडिया के, जहाँ पे ये अंग्रेज लोग अब काम कर रहे हैं, नौकर बने हुए हैं. वो वक्त गया. देख लें, एक वक्त था कि अंग्रेज लोग सब कुछ ही हिंदुस्तान से ले गए थे. इस वजह से ले गए थे कि हिंदुस्तान तरक्की ना करे, हिंदुस्तान हमारा मुकाबला ना करे. मगर आज का हिंदुस्तान, वो वाकई सही बात है कि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो पहले हिंदुस्तान था. आज का हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी करनी है. इसी वजह से तो आप ये देख लें, कैनेडा को जो लाले पड़े हुए हैं, वो उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है. अब पछताएगा क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगी खेत. अब कुछ नहीं हो सकता कनाडा का. एक वक्त आएगा कि वो पछताएगा, रोएगा, हिंदुस्तान के पांव पड़ेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपके साथ तल्लक कर बेहतर करना चाहता हूँ. क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़े बड़े देशों को बगैर कुछ किए ही सबक सिखा दिया है, ठीक है जी. तो ऐसी कुछ वीडियो है, तो वीडियो देखेंगे पूरी. वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. तो चलो आओ वीडियो देखें. अगली बात करते हैं जो खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी. और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है. जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं, भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. ये बहुत बड़ा इशू, और ये इशू होता रहे. ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ, हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है. इंटेलिजेंस बेस्ड, और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज़ की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां ट्रूडो के पास. लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज. चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से, तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको. क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी. 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकानमी होगी, तीसरी बड़ी इकानमी. तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में. डैमेज हैज बीन डन. और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था, इसका कोई माने नहीं रखता इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का, जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता.
जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया है पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत ज़रूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज़ ऑप्शंस, भारत हैज़ ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर साथ साथ अगर हम देखें कि इसराइल और हमास के बीच में भी एक बार फिर आपने देखा कि हमास का लीडर जो है वो मारा गया है, टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इसराइल के जो हैं नेतन्याहू, उनका भी कहना है कि उन पर अटैक मतलब किया जाने की कोशिश की गई है, कोशिश की गई है ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, इसराइल की तरफ से खबर आई है। लेकिन इसमें आरजू जो मैं टोटली सारे वाकया जो इस वक्त लेबनान के अंदर हो रहा है, गाजा के अंदर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसके पीछे है क्या? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, आपकी तालीम और साइंस से नफरत। अब्बासियत दौर था इराक के अंदर, जब वो खत्म हुआ, अलाकू खान ने जब वहां की लाइब्रेरी चला दी, उसके बाद आपने साइंस से बायकॉट कर दिया। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आकर टेक ओवर कर लिया था। लेकिन उसके नुकसान आपको क्या है, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को, हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता ना होने की वजह यह है कि उसने पहले इंग्लिश पे फतवे दिए, जो इंग्लिश पढ़ेगा काफर हो जाएगा, जो लाउड स्पीकर पे फतवे दिया, इंसान के चांद पे जाने पे बातें की, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हालात ये, आप कहते हैं ये सियासत है, ये जिहाद है, लेकिन जिहाद गुरबत के खिलाफ नहीं करनी, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, लफ्ज जिहाद यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल रीजंस, गलत बात, और खुद के बच्चे लंदन पढ़ाने, यहां के बच्चों को कहना कि तुम जिहाद करो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, लेकिन अपने बच्चे लंदन में एंजॉय करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो ये सारा आपका 45,000 इस वक्त जो गाजा में उन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया है, कभी उनके पेजर फट रहे हैं, कभी वाकी टाकी फट रहे हैं, फट इसलिए रहे हैं साइंस से दूरी है, तालीम से दूरी है। 9 मिलियन पॉपुलेशन है इसराइल की, पूरी दुनिया घुटने के बल, 2 बिलियन आप हैं, दुनिया के ताकत ने ताकत और दुनिया इस्तेमाल किया, दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन? मिडल ईस्ट वाले। दुनिया के ताकत में इस वक्त देखे, कल परसों में लिस्ट देख रहा था, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट कंट्री इज UAE, लेकिन उनके पास क्या है आज? सऊदीज, कुवैतीज और UAE के पास क्या है? उनके पास 7-7 बीवियां हैं, 50-50 बच्चे। उन मुल्कों के अंदर एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना सके इस पैसे के साथ जहां कोई दूसरा बंदा जाके तालीम हासिल कर सके, अपने तो काम भी नहीं करते। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बढ़िया, अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मजा हो गया। ये होती है पावर एक तरक्की याफ्ता मुल्क की, ये होती है कदरों कीमत, जो पूरी दुनिया जानती है कि कितने पावरफुल, जितना कोई पावरफुल देश होगा ना, उसका हर हर आदमी, हर शहरी वो पावरफुल होगा। जैसे कि आप संजय कुमार साहब को देख लें कि उसने कैसी यार खरी खरी कैनेडा को सुनाई है, खरी खरी। पहले जयशंकर साहब थे, उन्होंने अमेरिका को खरी खरी सुनाई थी, अब संजय कुमार साहब हैं, उन्होंने देख लो कैसी खरी खरी सुना दी है इनको बातें कैनेडा को। यार इंडिया वो, ये तो समझ रहे थे कि ये वो वही पुराना इंडिया है, गुलामी वाला जहन है, जैसा हम बोलेंगे वैसा इंडिया कर लेगा, या हम थोड़ा सा बोलेंगे वो डर जाएगा। नहीं, ऐसी बातें अब भूल जाएं। अब हिंदुस्तान की हाँ ना में फैसले होते हैं, अब हर देश चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों। ठीक है जी, कैनेडा पहले जो कह रहा था कि हमारी जो CIA है या जो भी हमारी एजेंसी है, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिले, अगर ठोस सबूत नहीं मिले तो लानत भेजो ऐसी एजेंसियों को जिन्होंने आपको गलत रिपोर्ट दी है, कैनेडा वालों को। कैनेडा का वजीर आजम अब माफिया मांगे या पाँव पड़े, इतनी जल्दी हिंदुस्तान नहीं माफ़ करेगा उनको। ये कोई एजेंसी है इनकी, इंग्लैंड कैनेडा की एजेंसियाँ तो हैं हिंदुस्तान की, जो हर चीज़ पर नज़र रखती हैं,
कि कौन क्या कर रहा है, अब क्या होने जा रहा है, अब हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचा जा रहा है। कैनेडा तो पता नहीं कैसे यार, उसने मुझे समझ नहीं लग रही है कि वो इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले। इतना पावरफुल तो कैनेडा हो ही नहीं सकता कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले। इसीलिए संजय कुमार साहब ने सही उनको खरी खरी सुनाई है और उनको बोला है कि ये जो आप खालिस्तान की बातें कर रहे हैं ना, ये कैनेडा में सबसे ज़्यादा उभर रहा है मामला, कैनेडा उभार रहा है इस चीज़ को, और जो ये दहशतगर्द के मामला है ना वो कैनेडा सपोर्ट कर रहा है। ये कुछ छोटा सा बयान नहीं है संजय कुमार साहब का जो उन्होंने दिया है, क्योंकि ये उसी वक्त बयान दिया जा सकता है जब बंदे में पावर हो, और पावर तब भी आती बंदे में जब उसका मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, उसके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, उनका डिफेंस सिस्टम दुनिया से मजबूत हो, वो आईटी के मामले में दुनिया से आगे हो, तब वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। मगर कैनेडा छोड़ के मैं कह रहा हूँ, कैनेडा ने ये नहीं हाल देखा कि चाइना का इंडिया ने क्या किया, चाइना के साथ इंडिया ने क्या किया, मालदीव के साथ इंडिया ने क्या किया, कतर के साथ इंडिया ने क्या किया, चाइना और कैनेडा ये सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। अगर इंडिया ने कुछ भी चाइना कैनेडा को सबक सिखाना हुआ ना, तो इंडिया ने करना कुछ भी नहीं है, बस उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऐसी चीज़ें बंद कर देनी है जिससे कैनेडा को काफ़ी नुकसान होगा। अभी ऐसा कोई देश नहीं बना जो इंडिया से पंगा ले। इंडिया हर चीज़ में डेवलपमेंट वाला मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, तो उससे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। तो ये जो कैनेडा ने लानत ली है ना कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है कैनेडा के मुंह पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी साथ ही उसकी एजेंसियों पे सवाल उठ गए हैं कि जो उनकी है ये एजेंसियाँ, जो मुल्क की जो दूसरी एजेंसियाँ हैं, जो कह रहे हैं जी कि हम सिक्योरिटी एजेंसियाँ कि जी हम मुल्क का दफा करना जानते हैं जी, हम मुल्क के मामलों को देख रहे हैं, हमें हर चीज़ की खबर है, और उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या बात करनी थी और वो क्या बात कर गए, उनको पता ही नहीं थे। जब उनके पास सबूत ही नहीं थे तो वो कौन होते थे कि वो इंडिया के मामलों में मुदाखलत करते या इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते। ये उन्होंने बहुत बुरा किया अपने के साथ, अपने साथ। अब कैनेडा के जो हालात होंगे ना, जो हालत होगी कैनेडा की, वो दुनिया देखेगी, क्योंकि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं ना वो सब इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, जितना कुछ इंडिया परचेज करता है ना, इम्पोर्ट करता है, वो कभी कोई नहीं कर सकता, और जितना एक्सपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कर सकता। बड़ी बड़ी चीज़ों की यूरोप को ज़रूरत पड़ती है इंडिया की, बड़े बड़े मामलात में, ठीक है जी। तो ये अब देखो, अब मुस्तकबिल में देखते हैं कि कैनेडा के साथ क्या होता है, ये तो हम देखेंगे आगे जाके। बाकी कैनेडा ने जो किया है ना वो उसने अच्छा नहीं किया, और संजय कुमार साहब ने बहुत अच्छा किया जो उनको खरी खरी बातें सुनाई हैं, जो उनको बातें सुनाई हैं ना संजय कुमार साहब ने, ये तो बनता भी यही था, वरना दुनिया ने सवाल उठाने थे इंडिया पे, मगर ये संजय कुमार साहब ने सारी दुनिया का मुंह बंद कर दिया है। कमाल हो गया यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।